इस वाली वीडियो दे विच आपां क्लास अठवीं चैप्टर अपना पहला प्रमेय संख्यावां जिवें कि तुसीं थंबनेल दे उपर पढ़ ही लिया होना अभ्यास एक पॉइंट एक दे आपां सवाल डिस्कस करने आ। तो सवाल जिहड़े आपां डिस्कस ये करने आ, इह करन तों पहलां कुछ के बेसिक कंसैप्ट जिहड़ियां कि तुसीं पिछली क्लासां दे विच पढ़े सीगे उन्हां नूं आपां रिपीट करना, उन्हां दी रिविजन करनी है पहलां, ते नाल जिहड़े आपां हुण नवें कंसैप्ट कोई पढ़ने आ उन्हां बारे थोड़ा बहुत आपां जानना, क्योंकि जे तुहानू बेसिक कंसैप्ट किसी भी चैप्टर नाल रिलेटड पता होण तां तुसीं जिहड़े क्वेश्चन आ फिर बड़ी ईजली जां आराम नाल कर सकदे हो। जे आपां पहला सीधा क्वेश्चन नंबर एक तों ही करन लग गए तां तुहानू उन्ना ज़्यादा उह समझ नहीं लगना। तो आपां हुण एक पॉइंट एक करन तों पहलां थोड़े जे कंसैप्ट आ जिहड़े आपां कर लईए तां कि तुहानू इह पता लग गए कि आपां एक पॉइंट एक दे विच की पढ़ना हैगा। तो सब तो पहला तो आपां चैप्टर का नाम ही हैगा प्रमेय संख्यावां, तो आपां पता होना चाहिए कि प्रमेय संख्यावां की हुंदियां, ठीक है, क्योंकि सारा चैप्टर अपने को इस नाल रिलेटड ही है। तो प्रमेय संख्यावां, हुण प्रमेय संख्यावां किहड़ियां संख्यावां हुंदियां, इन्हां दी एक डैफीनेशन आ जिहड़ी कि तुसीं याद रखनी आ। वह डैफीनेशन हैगी है कि ओ संख्यावां जो पी वटा क्यू दे रूप विच होण, रूप विच होण, उन्हां नूं आपां की कहांगे प्रमेय संख्यावां। मतलब जिहड़ियां संख्यावां अपने कोले पी वटा क्यू मतलब वटे दे रूप दे विच होण उन्हां नूं आपां की कहांगे प्रमेय संख्यावां। नाल कंडीशन अपने कोले, कंडीशन उह की आ, पहली कंडीशन अपने कोले इह आ कि पी अते क्यू अपने कोले, पी अते क्यू आ संख्या का जिहड़ा हुंदा अंश थले वाले नूं बोलिया जांदा हर। ये भी तुसीं नोट कर लो इत्थे कि जे अपने कोले पी वटा क्यू कोई संख्या दित्ती है तां वाला हुंदा अंश, थले वाला हुंदा हर, ठीक है, अंश वटा हर। तो पी अते क्यू उपरला अंश ते थले वाला हर, यह दोनों की होने चाहिए अपने कोले संपूर्ण संख्यावां होनियां चाहीदियां, ठीक है। तो एक तो अपने कोले कंडीशन ये है वी पूर्ण संख्यावां होण। दूजी कंडीशन अपने कोले ए आ कि जिहड़ा अपने कोले संख्या दा क्यू आ वह जीरो दे बराबर नहीं होना चाहिए। इहनूं आपां किवें लिखदे हां, क्यू बराबर पा के ऐ डंडी, इहदा मतलब आ जिहड़ा क्यू अपना कोले संख्या दा, संख्या जिहड़ी आपां वटे वाली हैगी उहदे वटे दे विच जीरो आपां नहीं लिख सकदे, जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, तीजी कंडीशन अपने कोले की आ कि पी अते क्यू दोनों सह अभाज होण, की होण, दोनों सह अभाज, सह अभाज हन। जदों ये तीन कंडीशन होगा तो पी वटा क्यू दे रूप दे विच कोई संख्या हैगी आ तां उहनूं आपां की कह दांगे, वह की होगी अपनी प्रमेय संख्या। तो ये थोड़ा जिहा समझ लो सह अभाज की हुंदा, सह अभाज का मतलब यह हुंदा कि उपर अते हेठां कोई सांझा गुणनखंड ना होवे। जिवें इत्थे आपां लिख लईए पंज वटा दस, हुण पंज वटा दस दोनों का सांझा गुणनखंड हैगा, दोनों पंज दे पहाड़े उपर आउंदे आ, तां करके आपां पंज वटा दस नूं प्रमेय संख्या संख्या नहीं कहांगे। तां प्रमेय संख्या नूं कदों कहांगे, आपां जदों आए कीता पंज एकम पंज, पंज दूनी दस, तां किन्ना बन गया एक वटा दो। हुण जिहड़ा ये एक वटा दो आया ये अपनी प्रमेय संख्या हैगी आ, ये की होगी अपनी प्रमेय संख्या। तो इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, इसे नूं बोलिया जांदा सह अभाज, मतलब जिहड़ा संख्या का उपरला संख्या हुंदी आ थले वाली संख्या, दोनों दे विच जे कोई भी सांझा गुणनखंड ना होवे एक तो इलावा तां उहनूं की बोलिया जांदा सह अभाज, ठीक है। इत्थे डैफीनेशन लिख लो कि सह अभाज की हुंदा, सह अभाज का मतलब आ दो संख्यावां दा सांझा गुणनखंड केवल एक होवे, मतलब दोनों एक दे पहाड़े ते आउण होर किसी सांझे पहाड़े ते ना आउण, दा सांझा गुणनखंड एक होवे। जे कोई दो संख्यावां जिन्हां दा सांझा गुणनखंड एक आ उहनां नूं आपां की बोलदे हां, सह अभाज संख्यावां। तो छोटियां छोटियां इह गल्लां पर इंपॉर्टेंट बहुत आ, ते इहनां नूं तुसीं इसे तरह कापी दे उपर नोट करना। तो इस दे नाल इक थोड़ा जिहा नोट करन वाला होर कम अपना कि जदों अपने कोले पी वटा क्यू दे रूप दे विच कोई संख्या लिखी भी आ, मान लो अपने कोले लिखिया वा इस तरह पी दो वटा घटाओ तीन लिखिया वा,
इनू आपां इस तरह नहीं लिखना, इनू आपां किवें लिखांगे। जदों भी परमेय संख्या लिखनी आ जिहड़ी घटाओ आ हमेशा चाहीदी आ आपां नूं उपर चाहीदी आ, तो इनू आपां लिखांगे घटाओ दा 2/3। तो इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना कि जिहड़ी अपने कोल घटाओ आ उह हमेशा चाहीदी आ आपां नूं उपर चाहीदी आ। तो जे अपने कोल ऐं कुछ लिखिया वा वी वटे दे विच घटाओ लिखी आ तां आप की करना, आपां उहनूं उपर लै जाणा। तो एक तो यह नोट करने वाली गल आ। नंबर दो अपने को नोट करने वाली गल ये आ कि जे अपने को घटाओ 2/3 हो भी उपर भी घटाओ पई हो थले भी घटाओ पई हो आप घटाओ के नाल घटाओ आ जी कट देनी आ कला की रह जूगा 2/3। छोटिया छोटिया गल्लां पर समझण वालिया कि जे उपर भी घटाओ आ थले भी घटाओ आ तो दोनों घटाओ आप कट देना कला इनू लिखांगे 2/3। ठीक है, इस दे नाल ही अपने कोले एक कंसैप्ट ये आ जांदा, तुसीं पढ़िया होना छोटियां जमातां दे विच कुदरती संख्यावां जिन्हां नूं बोलिया जांदा सी प्रकृतिक संख्यावां। ठीक है, एक तुसीं पढ़िया होना पूर्ण संख्यावां जिहड़ियां कुदरती संख्यावां हुंदियां उह किहड़ियां हुंदियां 1, 2, 3, 4 इस तरह। जिहड़ियां पूर्ण हुंदियां इह शुरू हुंदियां हुंदियां 0 तों 0, 1, 2, 3, 4 करके। इस तों बाद संपूर्ण संख्यावां, इन्हां दे विच अपने कोल घटाओ वालियां भी सारियां संख्यावां आ जांदियां, इन्हां नूं बोलदे आ संपूर्ण संख्यावां। तो कोई भी अपने कोल हैगी है संख्या, चाहे वह कुदरती आ पूर्ण आ संपूर्ण आ, सारियां दा दूजा नाम मतलब सारियां कुदरती संख्यावां की हुंदियां परमेय संख्यावां हुंदियां हन। यह चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, अपने कोल एक एक नंबर दे विच क्वेश्चन आ सकदा कि हरेक कुदरती संख्या परमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। हरेक पूर्ण संख्या प्रमेय संख्या है, ये भी सही है। हरेक संपूर्ण संख्या प्रमेय संख्या है, ये भी सही है। तो ये तिन्ने अपने कोले जे हरेक संख्या आप इन्हां दी लईए कोई भी वह की होगी प्रमेय संख्या भी जरूर होगी। ये भी तुसीं गल हैगी नोट करनी आ, इंपोर्टेंट पॉइंट आ, ये चंगी तरह इहनूं तुसीं लिख लेना कॉपी दे उपर। इस तो बाद अपना तीजा जो कंसैप्ट आ जो आप अभ्यास करना है अपना 1.1 दे विच ओ की है कि प्रमेय संख्यावां दा जोड़, प्रमेय संख्यावां दा जोड़, संख्यावां दा जोड़। तो प्रमेय संख्यावां दा जोड़ दा मतलब की है कि आप वटे वालियां संख्यावां दा जोड़ करना। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5/12 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰੋ 3/4 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਵੀ 5 3 8 12 4 16 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਵਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਜੋ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ? ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਐਲਸੀਐਮ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ? ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ? 12 ਦਾ ਅਤੇ 4 ਦਾ। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਮਤਲਬ 12 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ 12 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਆ ਜੋ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਭਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ 3 5 7 11 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਤੋ 12 ਅਤੇ 4 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 12 ਵੀ ਆਉਂਦਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 4 ਵੀ, ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 12 ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ? 6 'ਤੇ। ਤਾਂ 12 ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ 6, ਕੌਮੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 4। 4 ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? 2 'ਤੇ, 2 × 2 = 4 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 6 ਅਤੇ 2।
तो हम दोनों के विचों देखो कोई भी एक संख्या दो दे पहाड़े ते आउंदी आ फिर दोनों संख्यावां ही होंदियां तो दो मूहरे लिखता हुण दो दे पहाड़े च छे कित्थे जाके आऊगा तीन ते इहदे थले तीन लिख दो दो दे पहाड़े च दो कित्थे जाके आऊगा एक ते इहदे थले लिखता एक। नैक्सट अपना काम आ गया हुण कि जदों एक आ गया वह संख्या नूं छड्ड देना हुण इहनूं छड्ड देना कल्ला की रह गया तीन तीन हुण दो दे पहाड़े ते आउंदा नहीं आउंदा दो तो बाद कि संख्या अपने को तीन तीन दे पहाड़े च तीन तुसीं कहिंदे आउंदा तो इत्थे मूहरे तीन लिखता कित्थे जाके आऊगा तीन एकम तीन एक दे थले तो एक लिखना ही लिखना जदों अपने को इत्थे जिन्नियां तां संख्यावां किन्नियां सी दो ते दो वारी एक एक आ गया उदों रोके आना जिहड़े आ मूहरले इन्हां दी कर दो गुणा गुणा किवें करनी है पहला दो नूं दो नाल दो दूनी चार फिर जिहड़ा आंसर आ गया इहनूं तीजे नाल चार तीए बारह तो जिहड़ा अपने को एलसीएम आया वो किन्ना आया बारह ते चार दा बारह। ठीक है यदा मतलब आपां की करना है जिहड़ा इधरला पासा इहदे थले भी बारह बनाउणा जिहड़े दूजी संख्या तीन वटा चार सी इहदे थले भी बारह बनाउणा हुण तुसीं कहिंदे कि इहदे थले तां बारह हैगा ही है बस ठीक है आपां नूं बनाउण दी लोड़ नहीं इहदे थले बारह बनाओ तो तीन वटा चार नूं आपां किवें लिख थले बारह बना सकते हैं देखो थले बारह बनाउणा तो चार नूं किहड़ी संख्या दे नाल गुणा करिए कि बारह बन जाए तुसीं कहिंदे चार नूं गुणा जे आपां तीन नाल कर दईए बारह बन जू जिहड़ी संख्या नाल थले गुणा कीता उसे नाल आपां नूं तां वी गुणा करना पैणा। ठीक है तो बस हुण तां तीन तीए बन गया नौ थले बन गया चार तीए बारह मतलब अपने कोल संख्या उन्होंने दित्ती सी तीन वटा चार उहदे तों आपां किहड़ी बना ली है नौ वटा बारह तो पहली संख्या सी पंज वटा बारह दूजी हुण आपां बना ली है नौ वटा बारह दोनों का आपां जोड़ करना दोनों के हर की हो गए बराबर इधर भी बारह तो एक सांझा वटा बना के की लिख देना बारह तां लैण हुण जोड़ दो पंज जोड़ नौ थले तो कल्ला एक वारी बारह लिखना आपां। ठीक है उपता लैण जोड़ दो पंज दे विच नौ जोड़े चौदह वटे दे विच बारह ही आ तो हुण देखो चौदह वटा बारह अपना आंसर नहीं आया आंसर की आऊगा इहनूं हजे होर कट के क्योंकि सांझा इन्हां दे विच गुणनखंड आउंदे पए आ ना चौदह ते बारह दोनों दो दे पहाड़े ते आउंदे पए आ सत्त दूनी चौदह छे दूनी बारह तो आंसर किन्ना आ गया सत्त वटा छे मतलब जे आपां पंज वटा बारह नूं तीन वटा चार दे विच जोड़ांगे तो अपना आंसर किन्ना होगा सत्त वटा छे करना किवें आ ओह तुहानूं सारा इत्थे समझाता जोड़ आपां किवें करना ये आपां एलसीएम की हैल्प दे नाल करना एलसीएम किहड़ा लैणा आपां थले वालियां संख्यावां दा ते कढ़ना किवें आ इस तरह दोनों का कट्ठिया का तो गुणनखंड किहड़ियां संख्यावां दे बनाउणे आ भाज संख्यावां दे ओह वी तुहानूं लिख दित्ते आ। नैक्सट आप हम देखते हैं इसके जोड़े दो या तीन टॉपिक होर कि रह गए देखते हैं इस तो अगला कंसैप्ट अपना जो काम आऊगा अपन वो हैगा दो संख्यावां दा जोड़ आप नहीं गल करते पे कि वह संख्यावां वटे वालियां या दूजियां सिर्फ आप दो संख्यावां दा जोड़ दो संख्यावां दा जोड़ दो तरीके नाल हो सकता अपने कोले किवें किवें हो सकता कि पहली चीज़ तो यह है कि दोनों जिहड़ियां संख्यावां दित्तियां उन्हां दे जिहड़े चिन्ह आ उह होण इक्को जिहे मतलब जे पहली संख्या जोड़ वाली है दूजी भी जोड़ वाली है जां पहली घटाओ वाली है तो दूजी भी घटाओ वाली है दूजी चीज़ यह हो सकती है कि दोनों संख्यावां दे जिहड़े चिन्ह आ उह अपने कोले की होण अलग अलग मतलब जे एक संख्या जोड़ वाली दी है दूजी घटाओ वाली दे देंगे जे पहली घटाओ वाली दी है अगली जोड़ वाली दे देंगे हुण आपां इत्थे ध्यान दे विच की रखना जे चिन्ह इक्को जिहे हैगे आ फिर आपां उहनां दा की करना जोड़ करना। ठीक है जे चिन्ह आपां नूं दित्ते आ अलग अलग फिर आपां उहनां दी करनी आ घटाओ आपां एग्जाम्पल वी इहदी लवांगे उह फिर देखदे हां ते इहनां दोनां दा जिहड़ा अपने कोले आंसर आ आंसर जिहड़ा आऊगा आंसर विच जिहड़ा आपां चिन्ह लिखना वो लिखना हैगा वड्डी संख्या दा चिन्ह वड्डी संख्या दा तो हुण इस दा आपां एग्जाम्पल देखते हैं कि किहड़ी एग्जाम्पल आ तो एग्जाम्पल दे तौर ते आपां कोई भी एक सवाल ले लैने जिवें घटाओ तीन जोड़ चार जां घटाओ पंज घटाओ सत्त जां हो सकदा पंज घटाओ अठ इस तरह। ठीक है तो आ तिना सवालों सारे आ समझ लग जू किवें कीता आपां
तो हम पहला देखो दोनों दे आप चिन्ह देखने आ है घटाओ का तीन आ है जोड़ का चार तो दोनों के चिन्ह की है अलग अलग आप क्या जो चिन्ह अलग अलग की करनी है घटाओ तो घटाओ कर दो चार चो तीन घटा दो एक नाल आप आंसर चिन्ह हमेशा वड्डी संख्या वाला तो वड्डी संख्या कीड़ी है चार ये मूहे जोड़ आ तो इतने की आऊगा जोड़ तो जोड़ आप जो लिख गए चाहे ना लिख गए एक गल ही है ठीक है तो कला एक भी ठीक आ जोड़ द एक भी ठीक आ। नैक्सट अपने को आ गया दूजा क्वेश्चन आ है घटाओ का पांच घटाओ का सत्त तो दोनों के चिन्ह हो गए एको जहे जे चिन्ह एको जे की कर देंगे जोड़ तो जोड़ कर दो पंजां दे सत्त जोड़ दो कितना आ गया बारह चिन्ह वड्डी संख्या वाला आंसर दे विच वड्डी संख्या कीड़ी है सत्त इहदे मूहरे माइनस आ इत्थे की आ जूगा माइनस का बारह ठीक है देखो कितना ज़्यादा आसान आ जे तुहानू ए वाला जो कंसैप्ट आ वो हैगा याद फिर तुहानू कोई भी रट्टा लाने की लोड़ नहीं हैगी। नैक्सट तीजा हैगा इहदे विच तुसीं कहिंदे अठ दे मूहरे तो माइनस हैगा पंज दे मूहरे कोई चिन्ह ही नहीं देखो जिहड़ी भी संख्या मूहरे कोई चिन्ह नहीं हुंदा उहदे मूहरे चिन्ह कहदा हुंदा जोड़ दा। हुण देखो एक जोड़ वाला चिन्ह एक घटाओ वाला चिन्ह हो गए अलग अलग की कर देंगे घटाओ तो अठां च पंज घटाए तीन चिन्ह वड्डी संख्या वाला तो वड्डी संख्या कीड़ी अठ है मूहरे की है माइनस इत्थे भी की आजूगा माइनस का तीन तो यह सीगा कंसैप्ट समझण वाला। इस दे नाल एक छोटा जिहा होर इंपोर्टेंट नोट हैगा जिहड़ा कि आपां नूं अभ्यास 1.1 दे विच काम आउणा उह की आ कि जे अपने कोले ब्रैकट दे बाहर जिवें इत्थे घटाओ पिया अंदर पिया जोड़ दा एक जे हुण अपने कोले बाहर की होवे घटाओ पिया होवे अंदर पिया होवे जोड़ तो दोनों के चिन्ह की हो गए हुण अलग अलग तो चिन्ह कहदा आऊगा घटाओ का तो एक कहदा आऊगा इत्थे घटाओ का। इस तरह जे अपने कोले बाहर घटाओ पिया ब्रैकट ला के अंदर भी घटाओ पिया बाहर भी घटाओ अंदर भी घटाओ चिन्ह की हो गए एको जिहे मतलब कहदा आऊगा जोड़ दा दो जां इकला दो ठीक है तो यह भी चीज़ तुसी नोट करनी है कि जे अपने को इस तरह ब्रैकटा दे बाहर चिन्ह होवे अंदर होवे तो उन्हूं भी आपां इसे नाल ही हल करना जे चिन्ह एको जिहा जोड़ अलग अलग आ तां घटाओ। उम्मीद है तुहानूं इह समझ लग गया होना। नैक्सट अपना बस लास्ट वाला काम रह गया वह रह गया है अपना कि प्रमेय संख्यावां दे गुण आपां सारे गुण नहीं करने बस थोड़ा जिहा तुहानूं समझाउणा ही आ कि किवें अपने कोले गुण हुंदे आ बाद विच आपां अभ्यास 1.1 दे सवाल शुरू करांगे अपने कि किवें करने आ। तो सब तो पहला अपने कोले गुण हुंदा कि क्रम वटांदरा गुण क्रम वटांदरा गुण तो यह गुण हुण आपां जोड़ वाले सवाल करने आ तो जोड़ वाला ही इहदे नाल आपां उदाहरण लवांगे जिवें आपां 5 वटा 12 जोड़ 3 वटा 4 करना हुंदा वह कहिंदे जे तुसीं इह करो भी 3 वटा 4 नूं पहलां लिख लो 5 वटा 12 नूं बाद विच लिख लो तां वी आंसर तुहाडा की आऊगा इको जिहा आऊगा मतलब जिहड़ी संख्या पहलां लिखी सी उह दूजे नंबर ते लिखती दूजे वाली पहले नंबर ते इहदे नाल कोई भी अपने कोले आंसर दे विच फर्क नहीं पैणा इसे नूं बोलिया जांदा क्रम वटांदरा गुण वी क्रम बदलता जिहड़ी पहले नंबर ते संख्या सी उहनूं दूजे ते लिखता दूजे वाली नूं पहले ते इहदे नाल अपने कोले जोड़ वाला अपने आंसर दे विच कोई भी फर्क नहीं पैणा ठीक है। इस तो अगे दूजा नियम अपना हुंदा सहचारता नियम सहचारता गुण जां नियम तो सहचारता नियम की कहिंदा ये अपने कोले तीन संख्यावां लई बणिया वैसे ये आ जिहड़ा तीन प्रमेय संख्यावां लई बणिया तीन प्रमेय संख्यावां लई आ इहदी वी आपां एग्जाम्पल ही लवांगे कोई बहुता ज़्यादा समझण की लोड़ नहीं। देखो जिवें अपने कोले संख्या इत्थे हुंदी 5 वटा 12 जोड़ 3 वटा 4 ते जोड़ आपां कर दिंदे 1 वटा 2 वी पहला तीन संख्यावां हुंदियां अपने कोले ठीक है जिन्हां दा आपां जोड़ करना सी पहलियां दो संख्यावां नूं पहला जोड़ता फिर जिहड़ा आंसर आ गया उहनूं तीजे 'च जोड़ता जां आपां इहनूं किवें कर सकदे आ कि जिहड़ी अपने कोले दूजी ते तीजी संख्या इहनूं आपां पहलां जोड़ दईए ते जिहड़ा आंसर आ गया पहली दे विच बाद 'च जोड़ दांगे तां वी आंसर ते अपना कोई भी फर्क आ जिहड़ा नहीं पैणा इसे नूं बोलिया जांदा सहचारता गुण वी जिवें हुण पहले दोवां दा जोड़ कर लिया आपां जिन्ना आंसर आ गया उहनूं 1 वटा 2 'च जोड़ता जिन्ना आंसर आऊगा इहदा सारे दा उन्ना आंसर ही इहदा आउणा वी जे आपां पहलां दूजे ते तीजे नूं जोड़ दईए फिर उहदे विच 5 वटा 12 जोड़ दईए तां वी आंसर की आ उन्ना ही आउणा आंसर ते कोई भी फर्क नहीं पैणा।
इस तो बाद अपना लास्ट वाला टॉपिक रह गया, वह रह गया है जुड़ात्मिक उल्ट। जुड़ात्मिक उल्ट एक थोड़ा जहा एग्जाम्पल है जी, तुहानू दे देना क्रम वटांतरा गाउण दी। जिवें इत्थे आपां सिंपल जहा लिखना होए, पंज जोड़ सत्त किन्ना हुंदा, पंज दे सत्त बारह। जे मैं इत्थे लिख दिंदा इहनू पहले नंबर ते, इहनू दूजे ते, सत्त ते पंज किन्ने हुंदे, इह वी बारह हुंदे आ। इहनू बोलिया जांदा क्रम वटांतरा गुण। सहचारता गुण की कहिंदा, जे इत्थे मैं लिख दिंदा दो जोड़ तीन जोड़ चार, वी पहला इन्हां दोनों नू जोड़ दिंदा, दो ते तीन पंज बन गए, नाल जोड़ना हैगा चार, पंजां चार जोड़े नौ। जे हुण मैं आए करदा दो जोड़ लिख के पहला इन्हां दोनों नू जोड़ दिंदा, तो की बनना सी, दो जोड़ चार ते तीन सत्त, तो दोवां च सत्त जोड़े नौ, तां वी आंसर किन्ना आया, उन्ना ही आया। ठीक है, तो ये समझण लई तुहाडे सौखा तरीका, इहनू वी तुसीं दिमाग दे विच रखणा कि किवें आपां निजम इह कीता। नैक्सट आ गया जुड़ात्मिक उल्ट। जुड़ात्मिक उल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ते बहुत ज़्यादा ईजी है, सौखा बहुत ज़्यादा। सिर्फ तुसीं की करना, संख्या का चिन्ह बदलना है। संख्या का चिन्ह बदलना है, किवें बदलना? जे तो कोई अपने कोल जोड़ वाली संख्या तो उहदा चिन्ह कर दो घटाओ वाला, जे अपने कोले कोई घटाओ वाली संख्या उहदा चिन्ह कर दो जोड़ वाला, उसे नूं बोलिया जांदा जुड़ात्मिक उल्ट। होर आपां उहदे विच कुछ भी हैगा नहीं करना। तो यही सी अपने इस अभ्यास एक पॉइंट एक दे कंसैप्ट। हुण इह कंसैप्ट चंगी तरह तुसीं समझ लैणे आ ते कापी ते नोट करने आ। हुण इस ते देखदे आ आपां क्वेश्चन, अभ्यास एक पॉइंट एक दा पहला क्वेश्चन। तो अभ्यास एक पॉइंट एक दा पहला सवाल अपने कोल हैगा हल करो, मतलब हल करना। आपां पहला हैगा घटाओ दा पंज वटा छे, जोड़ दा तीन वटा चार। तो दो संख्यावां दा आपां जोड़ करना हैगा। तो जे जोड़ करन वाला तुसीं अपना बेसिक कॉन्सैप्ट समझिया, तो आपां कहा सी आपां की करने आ, दोनों दे संख्यावां दे हार आ जिहड़े बराबर करने आ। किवें करांगे? पहला दोनों संख्यावां दा थल्ले वालियां दीआं एलसीएम कढ़ांगे। ठीक है, तो ये एलसीएम कढ़न दा मैथड सी, इहनूं तुसीं चंगी तरह समझ लैणा। हुण दोनों दा थल्ले वालियां संख्यावां की है? छे अते चार। तो आपां छे अते चार दा की कढ लईए एलसीएम? इत्थे छे लिख लईए, इत्थे चार। तो सब तो पहला देखिए कि दोनों दे विच्चों कोई दो दे पहाड़े उपर जांदा, तुसीं कहिंदे दोनों ही दो दे पहाड़े उपर जांदे आ, तो छे कित्थे जाके आऊगा? तीन दूनी छे आऊगा, दो दूनी चार। हुण इन्हां दोनों दे विच्चों कोई दो दे पहाड़े ते आ जांदा दो, तो जिन्ना टाइम एक भी कोई, हुण आ देखो तीन अपने कोले जांदा नहीं सी दो दे पहाड़े ते, तो तीन दे थल्ले उहनूं उवें लिख देना। ठीक है, जिहड़ा किसी पहाड़े उपर नहीं जांदा उहनूं उस तरह लिख देना। दो दे पहाड़े च दो कित्थे जाके आऊगा? एक ते, एक तो अपनी संख्या होगी। हुण रह गया कल्ला तीन, तो तीन आपनूं पता कल्ला तीन दे पहाड़े ते आऊगा, तीन एकम तीन। तो ये अपने कोले हुण एलसीएम आ गया, छे अते चार दा किन्ना आया? इन्हां दी गुणा सारिआं दी, दो गुणा तीन, इन्हां दी गुणा, तो दो दूनी चार, चार तीए बारह की आ गया एलसीएम। तो हुण आपां किसी हिसाब नाल जिहड़ा घटाओ दा पंज वटा छे आ इहदे थल्ले भी बारह बनाउणा, तो जिहड़ा तीन वटा चार आ इहदे थल्ले भी बारह बनाउणा। पहला इहदे थल्ले बारह बनाउणा आपां, तो बारह बनाउण वास्ते की करना पऊगा? तुसीं कहिंदे आ छे नूं आपां किहड़ी संख्या नाल गुणा करिए भी बारह बन जाए? दो नाल, छे दूनी बारह। तो जे आपां थल्ले भी दो नाल गुणा की है, तां वी किहदे नाल गुणा करनी पऊगी? दो नाल। तो दोनों की गुणा की, पाँच दूनी दस, मूहरे घटाओ आ घटाओ का दस, थले आजूगा छे दूनी बारह। तो घटाओ पंज वटा छे तो आपां की बना लिया? घटाओ का दस वटा बारह। इस तरह तीन वटा चार लिख लो। हुण तीन वटा चार दे विच थले किहड़ी संख्या नाल गुणा करिए भी बारह बन जाए? चार नूं किहड़ी संख्या नाल गुणा करिए बारह बनूगा? तीन नाल, चार तीए बारह। जे थले तीन लिखता तां वी तीन लिखना पैणा, तो तां वाले दी गुणा करो, तीन तीए नौ, वटे दे विच चार तीए बारह, तो दूजी संख्या किहड़ी बन गई? नौ वटा बारह। तो हुण इत्थे जोड़ आपां जिहड़ा करना सी ओह देखो, पहला आपां आह संख्या लिखनी सी, तो इह किन्नी बन गई? घटाओ दा दस वटा बारह जोड़। दूजी संख्या यह सी, इह किन्नी बना ली आपां? नौ वटा बारह। ठीक आ, हुण दोनों दे विच इहदे कोले भी थले बारह, इहदे कोले भी बारह, तो इत्थे भी आपां की लिखता? थले बारह, तो उपर जिवें संख्यावां लिखूंगा बिल्कुल उस तरह लिख दो, घटाओ दा दस, इस तों बाद जोड़ दी थां ते जोड़, फिर नौ आ, इहनूं भी उवें लिख दो। ठीक, तो हुण अपने कोले तां जोड़ घटाओ करना, तो आपां कंसैप्ट दे विच कहा सी कि दोनों दे चिन्ह की आ हुण अलग अलग,
तो की करांगे घटाओ तो दसां च नौ घटाया एक नाल आपां कहा सी आंसर विच चिन्ह किहड़ा लिखना वड्डी संख्या वाला तो वड्डी संख्या सी दस इहदे मूहरे माइनस आ इत्थे भी की आजूगा माइनस दा एक वटे दे विच बारह तो पहले का आंसर की आजूगा घटाओ दा एक वटा बारह तो देखो किन्ना ज़्यादा ईजी कंसैप्ट आ इह बस तुसीं कंसैप्ट समझ लैणे आ फिर क्वेश्चन तुहाडे अपने आप आ जिहड़े हो ही जाणगे। दूजा अपना सवाल हैगा छे वटा ग्यारह जोड़ करना हैगा घटाओ दा दो वटा तीन नाल तो फिर अपने कोले उस तरह की गल आ गई कि पहला आपां एलसीएम कढ़ांगे की दा गया एक तो अपने कोले थले हैगा ग्यारह एक हैगा तीन तो हुण देखो दोनों दे विच्चों कोई भी एक संख्या दो दे पहाड़े ते आउंदी है तुसीं कहिंदे आ दोनों चों कोई भी संख्या दो दे पहाड़े ते नहीं आउंदी दो तो बाद देखना तीन दा पहाड़ा तुसीं कहिंदे ग्यारह तो तीन दे पहाड़े ते आउंदा नहीं पर तीन आउंदा तो एक भी संख्या आउंदी है तां भेज दो ग्यारह नहीं आता ग्यारह के थले ग्यारह ही लिखता तीन एकम तीन हुण संख्या रहेगी कल्ली अपने कोले ग्यारह ते आपां अभाज संख्यावां तुहानूं लिखांगा सी उहदे विच आपां कहा सीगा इस तों बाद देखणी पंज सत्त ग्यारह ग्यारह कल्ले आपदे पहाड़े ते आऊगा होर किसे पहाड़े ते इहने नहीं आउणा तो ग्यारह नूं आपां किवें करांगे मूहरे ग्यारह लिख के ग्यारह एकम ग्यारह एक दे थले एक तां इहदा एलसीएम किन्ना आजूगा अपने कोल इन्हां दोनों की गुणा मतलब तीन गुणा ग्यारह ग्यारह होती है तेती हुण आपां किसे हिसाब नाल छे वटा ग्यारह दे विच थले ग्यारह की थां ते की बनाउणा तेती तो किहड़ी संख्या नाल इहनूं गुणा करके ग्यारह नूं तुसीं कहिंदे तीन नाल कर दो जे थले भी तीन नाल करांगे तां भी करनी पऊ तो तां किन्ना बन जू छे ती अठारह वटे दे विच ग्यारह होती है तेती ये बन गया। इधर संख्या सी घटाओ दा दो वटा तीन तो घटाओ दा दो वटा तीन तो तीन नूं किहड़ी संख्या नाल गुणा करिए भी तेती बन जाए ग्यारह नाल क्योंकि ग्यारह तीया किन्ने हुंदे आ तेती उपर भी करनी पऊ तो उपर किन्ना बन जूगा घटाओ दा ग्यारह दूना बई वटे दे विच किन्ना बन जू ग्यारह तीया तेती तो हुण अपने कोले संख्या पहले किहड़ी लिखनी सी छे वटा ग्यारह इह तों आपां की बना लिया अठारह वटा तेती ये लिख दो जोड़ इस तो बाद घटाओ दा दो वटा तीन तो यदि थां ते आपां की लिख लांगे घटाओ दा बाई वटा तेती ठीक है। हुण एक चीज़ इहदे विच देखो आपां कंसैप्ट दे विच भी तुहानूं इह कराया सी कि जे अपने कोल ब्रैकट लगी होवे बाहर चिन्ह ते अंदर चिन्ह दोनों चिन्ह हो गए अलग अलग तो आपां की कहा सी की हो लिखांगे चिन्ह कहदा घटाओ दा तो हुण इहदे विच देखो अठारह वटा तेती तो आपां लिख लिया पर बाहर पिया जोड़ अंदर पिया घटाओ तो दोनों के चिन्ह की हो गए अलग अलग आप चिन्ह लिखांगे इत्थे घटाओ का चिन्ह बस ये समझण वाला सी तां करके तुहानूं ये जिन्ना आप कंसैप्ट कराए आ यही तुहानूं समझण लई कहा गया सी तो हुण देखो थले तेती है दोनों के तो वटे दे विच तां तेती रहूगा उपर की बन जूगा अठारह घटाओ की थां ते घटाओ बई की थां ते बई ठीक है। तो हुण अठारह के मूहरे तुसीं कहिंदे कोई चिन्ह नहीं मतलब चिन्ह हैगा जोड़ दा तो हुण एक जोड़ वाली संख्या एक घटाओ वाली दोनों के चिन्ह हो गए वक्खो वक्खरे की करांगे घटाओ तो बाईयां दे विच्चों अठारह घटाए चार अगला काम आ चिन्ह वड्डी संख्या वाला आपां नूं पता बाई वड्डा इहदे मूहरे माइनस आ इत्थे की आ जूगा माइनस का चार वटे दे विच तेती तो आंसर किन्ना आ गया माइनस का चार वटा तेती। नैक्सट हुण देखते हैं अपना थर्ड इसका तीजा भाग तो तीजे भाग के लिखा कि घटाओ का पांच वटा चौबी जोड़ सत्त वटा बारह तो ये भी आप हर बराबर करने हैं तो ये अपन एलसीएम कढ़ना पैना कि चौबी का तो बारह का तो एलसीएम कढ़ लेने आप पहला दो दे पहाड़े तो देखा कि दोनों जाते हैं तो दो दे पहाड़े चौबी कित्थे जाके आऊगा बारह दूना चौबी बारह कित्थे जाके आऊगा छे दूनी बारह हुण बारह ते छे फिर दोनों दो दे पहाड़े ते आउंदे आ छे दूनी बारह तीन दूनी छे हुण दो दे पहाड़े ते कल्ला छे आउंदा भेज दो दो ती आ छे आ तीन दो दे पहाड़े ते नहीं आउंदा इहनूं उवीं थले तारता तीन दा तीन हुण दोनों संख्यावां तीन तीन रह गईआं मतलब कोई भी दो दे पहाड़े ते नहीं जांदी दो तो बाद देखणा आपां तीन दा पहाड़ा तो दोनों जांदीआं तीन एकम तीन एकम तीन तो हुण एलसीएम आ जिहड़ा इहदा वह किन्ना आजूगा इन्हां सारिआं दी गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन तो दो दुनी चार चार दुनी अठ अठ ती है चौबी
यदा मतलब एलसीएम कितना आ गया 24। तो ये तो तुम कहने 24 पहला ही हैगा घटाओ का 5/24 तो बनाने की लोड़ नहीं कला ये बना पैना अपन तो 7/12 के 12 कि गुणा करिए भी 24 बन जाए आपको पता 12 आप जे 2 गुणा करता कि बन जू 24 जे थले 2 गुणा करना तो भी करना पेगा तो कि बन गया 7 × 2 = 14 थले बन गया 12 × 2 = 24। तो हम आप जोड़ किदा करना घटाओ का 5/24 उस तरह जोड़ 7/12 की थान पर आप बना लिया 14/24 तो ये को वटे के 24 है ये को भी 24 है तो इतने की आजगा वटे के 24 उपर की आजगा घटाओ का 5 जोड़ फिर 14 बिल्कुल उस तरह लिखता हूँ दोनों के चिन्ह है वक्ो वक्रे तो कर देंगे घटाओ 14 × 5 घटाए 9 चिन्ह वड्डी संख्या वाला तो 14 वड्डा सी ये मूरे प्लस आ इत्थे प्लस लिख लो चाहे ना लिखो लिखण की लोड़ नहीं वटे के 24 है तो आंसर कि आ गया 9/24। नैक्सट देखते हैं हम इसका भाग नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाग के लिखा होया कि घटाओ का 11/12 जोड़ 7/8 तो बिल्कुल उही काम आप करना आप एलसीएम कढ़ना की 12 और 8 का तो पहला 2 के भाड़े पर देखिया 6 × 12 फिर 4 × 8 फिर 2 के भाड़े पर देखिया 3 × 6 2 × 4 फिर 2 के भाड़े पर देखिया कि आजगा 3 1 फिर 3 के भाड़े पर 1 1 तो एलसीएम अपने को कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 3 2 × 4 4 × 8 8 × 24 तो हुण किसे हिसाब नाल आपां जिहड़ा थले 12 इनू 24 बनाउणा तो किवें बणावांगे इनू 2 नाल गुणा करके तां वी गुणा करनी पऊ 2 नाल तो 11 × 22 कादा घटाओ मूहरे सीगी आ बन गया 24। इस तरह 7/8 दे विच 8 नूं हुण किहदे नाल गुणा करिए कि 24 बन जाए तुसीं कहिंदे 3 नाल 8 कि हुंदा 24 तो उपर भी 3 नाल करनी पऊ कि बन गया हुण तां 7 * 21 वटे दे विच 24 तो हुण बस इन्हां नूं आपां उवें लिख दिंदे आ उपर इहदी थां ते लिख दो घटाओ दा 22/24 जोड़ पा के इहदी थां ते लिख दिंदे आ 21/24 दोनों के वटिया 24 या वटे 24 तो ये को घटाओ का 22/21 उपर जोड़ घटाओ करनी है तो दोनों के चिन्ह आप देख ले वक्ो वक्रे या की कर देंगे घटाओ तो 22 घटाए 1 चिन्ह वड्डी संख्या वाला आपको पता 22 वड्डा सी ये मूहरे माइनस आ इत्थे माइनस वटे 24 तो ये अपना की आ गया आंसर आ गया भाग नंबर 4 का। नैक्सट आ गया भाग नंबर 5 ये लिखा घटाओ का 3/10 जोड़ घटाओ 7/15 ठीक है तो पहला इनू आप थोड़ा जा सही करके लिख लीए किवें लिखिए कि अपने कोल ब्रैकट के बाहर चिन्ह जोड़ अंदर हैगा घटाओ का तो चिन्ह की हो गए अलग अलग तो कहदा चिन्ह आऊगा इतने घटाओ का 7/15 ठीक है तो हुण आपां एलसीएम कढ़ लईए थले वालियां संख्यावां दा इहदे कोले 10 आ इहदे कोले की आ 15 तो पहला आपां नूं पता 10 आ जिहड़ा 2 दे भाड़े ते जांदा हुंदा तो पहला 2 दे भाड़े ते भेजणा पैणा इहनूं तो 5 × 10 15 2 दे भाड़े ते नहीं जांदा इहनूं उवें उतार दो थले हुण 5 और 15 दोनों चों कोई भी 2 दे भाड़े उपर नहीं जांदा इस तों बाद देखणा 3 दा भाड़ा 3 दे भाड़े दे विच 15 जांदा पिया तो 3 मूहरे लिख लिया 5 नहीं आउंदा 5 नूं उवें उतारता 15 कित्थे जाके आऊगा 5 × 3 = 15 हुण रह गए 5 5 दोनों चों कोई भी 3 दे भाड़े ते नहीं जांदा इस तों बाद देखणा 5 दा भाड़ा दोनों जांदे आ 5 × 5 = 5 तो एलसीएम कितना आ गया इन्हां दी गुणा 2 × 3 × 5 गुणा किवें करनी है 2 * 3 = 6 6 × 5 = 30 इस दा मतलब आपां नूं घटाओ दा जिहड़ा 3/10 आ इहदे विच भी थले बनाउणा आपां 30 तो 10 नूं किहदे नाल गुणा करिए भी 30 बन जाए 3 नाल उपर भी कर दो उपर बन गया घटाओ दा 3 * 3 = 9 थले बन गया 30 इस तरह हैगा 7/15 इहदे विच हुण 15 नूं किहदे नाल गुणा करिए भी 30 बन जाए तुसीं कहिंदे 2 नाल थले भी उपर भी तो बन गया 7 × 14 थले बन गया 15 × 30 तो हुण संख्यावां किहड़ियां आ गईआं घटाओ 3/10 की थां ते आपां की लिख सकदे आं घटाओ दा 9/30 विचाले घटाओ
इस तो बाद 7/15 ही थान पर आप की लिख सकते हैं 14/30। तो हम ये को वटे के तीह है, ये को भी तीह है, तो वटे के आ गया तीह। ए को हैगा घटाओ का 9, आ विचाले घटाओ आ गां 14। हुण आ दोनों के चिन्ह की आ, आ भी घटाओ वाला, आ भी घटाओ वाला, चिन्ह की हो गए दोनों के इको जिहे। जे चिन्ह इको जिहा की कर देंगे जोड़, तो 14 के 9 जोड़े कि आ गया 23। चिन्ह वड्डी संख्या वाला आपां नूं पता 14 वड्डा, इहदे मूहरे माइनस आ, इत्थे की आजूगा माइनस था 23 वटे के 30। तो ये अपना सवाल नंबर 5। इस तो बाद सवाल नंबर आ गया इसका 6वां भाग, घटाओ का 5/7, जोड़ का 3/14। तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल आ, बिल्कुल उस तरह 7 और 14 के आप बना लेना गुणन खंड बना के एलसीएम कढ लेना। इनू वैसे तुसीं भी कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन तुसीं खुद ही करो क्योंकि बहुत ज़्यादा सौखा, तो इहदा आंसर आ कमेंट बॉक्स के लिखियो। नैक्सट आप कर लगे 7वां भाग अपना, तो 7वें भाग के 7/6 जोड़ घटाओ का 5/9। तो ये कर लें आप, देखो कि पहला आपां ब्रैकट के बाहर जोड़ आ, अंदर घटाओ आ, मतलब दोनों के चिन्ह की आ अलग अलग, तो इत्थे की आऊगा घटाओ का 5/9। पहला काम तो यही करना। नैक्सट हुण आपां 6 और 9 दोनों के की बना लेने एलसीएम कढ़ना, पहली संख्या 6 है, दूजी 9। तो पहला 2 दे पहाड़े च देखो दोनों च कोई आंदा पिया, तुसीं कहिंदे आ 6 आंदा पिया, तो भेज दो 2 + 3 = 6, 9 नहीं आंदा इहनूं उवें उतार दो। हुण 3 और 9 दोनों च कोई भी 2 दे पहाड़े ते आंदा, तुसीं कहिंदे नहीं आंदा, 2 तों बाद देखणा 3 दा पहाड़ा, तो 3 दे पहाड़े च दोवें आंदे आ, 3 + 3 = 9। हुण रह गई इकली संख्या 3, ये भी आपके पहाड़े ही आऊगी 3 + 3, इन्हां दी गुणा कर दो 2 × 3 × 3, तो पहला आऊगा 2 + 3 = 6, 6 + 3 = 18। तो एलसीएम कितना आ गया इहदा 18। तो हुण 7/6 इहदे विच थल्ले 6 नूं किहदे नाल गुणा करिए कि 18 बन जाए, तो आपां नूं पता 6 + 3 कितना आउंदा 18, जे थल्ले भी 3 नाल गुणा कीती उपर भी करनी पैणी आ, तां बन गया 7 + 3 = 21, थल्ले बन गया 6 + 3 = 18। अगली संख्या हैगी 5/9, ये हुण थले 9 नूं किहदे नाल गुणा करिए भी 18 बन जाए, तुसीं कहिंदे 2 नाल, तां उपर भी करनी पऊगी, तां कितना बन गया 10/18। तो हुण लिख दो 7/6 की थां ते आपां की लिखणा 21/18, घटाओ की थां ते घटाओ, 5/9 की थां ते की लिखणा 10/18, ये भी लिखता। तो हुण दोनों के वटियां दे विच 18 18, तां की रह गया 21 + 10, 21 दे विचों 10 घटाए किन्ने रह गए 11 वटे 18। तो ये की अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नैक्सट अपना रह गया पहले सवाल का लास्ट भाग 8वां, कि घटाओ का 11/15 ते जोड़ हैगा 21/25 का। तो देखो आपां 15 और 25 दे पहला दोनों दे गुणन खंड देख लीए, एलसीएम कढ लीए। तो 15 और 25 दोनों दे विचों कोई भी 2 दे पहाड़े उपर नहीं जांदा पिया, तो इस तों बाद देखो 3 दा पहाड़ा 15 आजूगा, 3 दे पहाड़े ते 5 + 3 = 15, 25 नहीं आना, उवें लिख दो। हो रह गया 5 और 25, दोनों चों कोई भी अपने कोल 3 दे पहाड़े ते नहीं आता पिया, इस तों बाद देखना 5 दा पहाड़ा, तो दोनों 5 दे पहाड़े ते आउंदे पए आ, 5 + 5 = 5, 5 + 5 = 25। हुण रह गया कल्ला 5, आपदे पहाड़े ते आऊगा 5 + 5, एलसीएम इहदा की आजूगा इन्हां दी गुणा, पहला 3 नूं 5 नाल गुणा कीती 5 + 3 = 15, 15 नूं बाद च 5 नाल गुणा कीती 15 + 5 = 75। तो एलसीएम कितना आ गया 75। तो हुण आपां किसे हिसाब नाल 15 नूं किहदे नाल गुणा करिए कि थले अपने को बन जाए 75, तो आप हूँ ही करके हटे हैं 15 और 5 किन्ने होंगे 75, तो थले भी 5 नाल गुणा उपर भी, उपर कि बन गया 11 और 5 = 55, मूहे घटाओ पिया घटाओ का 55, वटे के 15 और 5 = 75। इस तरह 21/25, तो 25 कि गुणा करिए कि अपने को 75 बन जाए, तुम कहने 25 + 25 = 25, 25 × 50 = 75।
तो तीन नाल गुणा करनी पौ इक्की भी करनी पौ। तो इक्की का पहाड़ा पढ़ो, इक्की एकम इक्की, इक्की दूना बयाली, इक्की तीया त्रेहठ। तो जा इतने गुणा करके देख लो सीधी, इक्की गुणा तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी छे। पर तुहानूं पहाड़े आ जिहड़े 25 तक वह आने चाहिए आ, 21 तीया त्रेहठ, फिर तुहाडा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जूगा। तो हुण घटाओ 11 वटा 15 की थां ते की आ गया, घटाओ दा 55 वटा 75, जोड़ 21 वटा 25 की थां ते की आ गया 63 वटा 75। तो इहदे कोल वटे दे विच 75 आ, इहदे कोल 75 आ, वटे दे विच आ गया 75। उपर की आ गया, घटाओ दा 55 जोड़ दा 63। तो दोनों दे चिन्ह हो गए अपने कोल वक्खो वक्खरे। तो की कर दांगे, घटाओ तो 63 दे विचों 55 घटाए, किन्ना रह गया अपने कोल 8। चिन्ह वड्डी संख्या वाला, आपनूं पता 55 ते 63 दोनों दे विचों की वड्डा 63, इहदे मूहरे प्लस आ, तो प्लस लिखण दी लोड़ नहीं, कल्ला आंसर आ गया 8/75। तो ये अपने अभ्यास अपनी 1.1 दे, एक तो आप बेसिक कंसैप्ट सारे कर ले, एक पहले दे 8 भाग कर ले। नैक्सट वाले वीडियो दे विच जिहड़े 2 तो लैके अगे अपने क्वेश्चन रह गए बहुविकल्पी प्रश्न तक, उन्होंने डिस्कस जरा करांगे।